नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का वहीं चीर परिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी की सेवा में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सिंघाड़ा खाने के फायदे और कुछ नुकसान के बारे में। मौसमी फल हमें कई तरह की बीमारियों से बचाता है, वैसे ही सर्दियों के दिनों में एक खास फल पाया जाता है जिसका नाम है सिंघाड़ा। वैसे सिंघाड़ा भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। अंग्रेजी में इसे वाटर चेस्टनट या इंडियन वाटर चेस्टनट या वाटर कैल्ट्रॉप या वाटर कैल्ट्रॉप्स भी कहते हैं। हिंदी में सिंघाड़ा, उर्दू में सिंघाड़ा, पंजाबी में गानरी, मराठी में सेगाड़ा या सीगाड़ा, मलयालम में करीम पोलम, तमिल में चिमकारा, ऐसे ही अलग अलग स्थानीय भाषाओं में अलग अलग नामों या मिलते जुलते नामों या उच्चारणों से जाना जाता है। यह सर्दियों के दिनों में पाया जाता है। जनरली यह सितंबर या अक्टूबर के महीनों से मिलना शुरू हो जाता है। सिंघाड़ा जली पौधे का फल है। इसकी खेती झीलों, तालाबों, नदियों में की जाती है। यह शरीर में शक्ति प्रदान करता है, शरीर में खून की कमी नहीं होने देता, दर्द को कम करने वाला है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसका सेवन बहुत ही लाभदायक है। इसमें मौजूद पोषक तत्व जैसे विटामिन ए, सिट्रिक एसिड, फास्फोरस, प्रोटीन, नेकोटेनिक एसिड, मैग्नीशियम, आयोडीन, मैग्नीज, थायनिन, विटामिन सी, कैल्शियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, डाइटरी फाइबर, बीटा एमिलेज, टैनिन, रिबोफ्लोबिन, एमिलोज, थायमिन, कार्बोहाइड्रेट इत्यादि पाए जाते हैं। गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद है सिंघाड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, सिंघाड़ा गर्भवती महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सिंघाड़ा गर्भपात होने से रोकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन महिलाओं का गर्भकाल पूरा होने से पहले ही बच्चा गिर जाता हो, उन्हें खूब सिंघाड़े का सेवन करना चाहिए। यह गर्भपात होने से रोकता है। इसके उपयोग से भ्रूण को पोषण मिलती है और माँ की भी सेहत अच्छी बनी रहती है। गर्भाशय की कमजोरी के कारण यदि गर्भ न ठहरता हो तो गर्भधारण के बाद ताज़ा सिंघाड़ा खाना चाहिए। सिंघाड़े का हलवा दूध के साथ खाना चाहिए। खास तौर पर जिनका गर्भ 7 महीने का हो गया हो या उससे ऊपर हो, उनके लिए बहुत ही लाभदायक होता है सिंघाड़ा। इसके सेवन से महिलाओं में होने वाली ल्यूकोरिया नामक बीमारी भी ठीक हो जाती है। इसके सेवन से रक्तस्राव बंद होता है और गर्भपात नहीं होने देता। यदि 7वें माह में गर्भिणी को रक्तस्राव हो रहा हो तब सिंघाड़ा, कमलमूल, किशमिश, कसेरू तथा मुलेठी का काढ़ा बनाकर 10 से 30 ml काढ़े में मिश्री मिलाकर सेवन करने से लाभ मिलता है। रक्त प्रदर की परेशानी को करे कम सिंघाड़ा। रक्त प्रदर की समस्या से निजात पाने के लिए सिंघाड़े के आटे का सेवन लाभदायक होता है। सिंघाड़े के आटे की रोटी बनाकर खाने से रक्त प्रदर में लाभ होता है। रक्त प्रदर के बारे में जो लोग नहीं जानते उनको थोड़ी सी जानकारी देते चलूं। रक्त प्रदर महिलाओं में होने वाला एक रोग है। रक्त प्रदर यानी मेट्रोरेजिया। रक्त प्रदर को अंग्रेजी में मेट्रोरेजिया कहते हैं। रक्त प्रदर गर्भाशय से खून का बहना को संदर्भित करता है। कुछ लोग रक्त प्रदर को माहवारी से जोड़ लेते हैं या माहवारी समझने की गलती करते हैं, पर माहवारी अलग है जो कि एक सामान्य सी बात है जो वयस्क महिलाओं में होना ही चाहिए। लेकिन रक्त प्रदर एक अलग चीज़ है जो माहवारी के साथ जुड़ा नहीं है, क्योंकि यह महीने के गलत समय पर होता है। रक्त प्रदर के कई संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे गर्भनिरोधक गोलियों का इस्तेमाल या मस्तिष्क की समस्या से हार्मोनल असंतुलन, घाव का निशान, गर्भाशय ग्रीवा या योनि की सूजन या संक्रमण, गर्भपात का कारण इत्यादि। रक्त प्रदर बार बार या लंबे समय तक हो तो इसकी जांच करवाएं, क्योंकि रक्त प्रदर होने का एक कारण गर्भाशय में कैंसर होने के कारण भी होता है। अगर योनि से पीरियड के अलावा बार बार ब्लीडिंग हो तो तुरंत अच्छे बड़े हॉस्पिटल में जाकर जाँच करवाएँ, क्योंकि जांच से ही पता चलेगा कि हार्मोनल असंतुलन है या जीवाणु संक्रमण है। समय रहते आपकी जागरूकता और तुरंत लिया हुआ निर्णय आपको एक बड़े हादसे से बचा सकता है। खैर छोड़िए, हम वापस अपनी टॉपिक पर आते हैं। श्वेत प्रदर। श्वेत प्रदर में फायदेमंद है सिंघाड़ा। श्वेत प्रदर भी महिलाओं में होने वाली एक समस्या है। सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाकर खाने से श्वेत प्रदर ठीक होता है। सूखे सिंघाड़ा का चूर्ण बनाकर 3-3 ग्राम की मात्रा में शहद के साथ प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से सभी प्रकार के प्रदर रोग ठीक हो जाते हैं। 25 ग्राम सिंघाड़ा, 10 ग्राम सोना गेरू और 25 ग्राम मिश्री को एक साथ पीसकर 5 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करें। इससे प्रदर में लाभ मिलता है। सिंघाड़ा का रस निकालकर सुबह शाम सेवन करने से प्रदर रोग ठीक होता है। सोते समय पेशाब का निकल जाना,
अगर आप इस समस्या से जूझ रहे हैं तो सिंघाड़ा आपकी मदद कर सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए पीसा हुआ सूखा सिंघाड़ा और खांड़ लगभग 25-25 ग्राम की मात्रा में मिलाकर रख लें। फिर 1-2 ग्राम मिश्रण पानी के साथ सुबह शाम सेवन करने से रात में सोते समय पेशाब का निकल जाना ठीक होता है। सिंघाड़ा में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे खाने से हड्डियाँ और दांत दोनों ही मजबूत रहते हैं, साथ ही आँखों के लिए भी फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि सिंघाड़े में भैंस की दूध की तुलना में 22% अधिक खनिज लवण और क्षार तत्व पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों ने तो इसे अमृत तुल्य बताते हुए इसे ताकतवर और पौष्टिक तत्वों का खजाना बताया है। इस फल में कई औषधि गुण हैं जिनसे शुगर, अल्सर, हृदय रोग, गठिया जैसे रोग से बचाव हो सकता है। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के लिए तो यह काफ़ी गुणकारी है। सिंघाड़ा शरीर में ऊर्जा देता है, इसलिए इसे व्रत के खाने में शामिल किया जाता है। इसमें आयोडीन भी पाया जाता है जो थायराइड और घेंघा रोग में लाभदायक है। इसके सेवन से घेंघा रोग से बचा जा सकता है। सिंघाड़ा खाने से फटी एड़ियाँ भी ठीक हो जाती हैं। इसके अलावा शरीर में किसी भी स्थान पर दर्द या सूजन होने पर इसका लेप बनाकर लगाने से बहुत फायदा होता है। सिंघाड़े से करें खुजली और दांत का इलाज। जी हाँ फ्रेंड्स, नींबू के रस में सूखे सिंघाड़े को घिसकर दांत पर प्रतिदिन लगाएं। इससे पहले तो जलन उत्पन्न होती है और फिर ठंडक महसूस होती है। इसका उपयोग कुछ दिनों तक लगातार करने से दांत ठीक हो जाता है। सिंघाड़ा, भिंगी की जड़, झाऊबेर और भारंगी की जड़ को पीसकर पानी में मिलाकर पीने से दांत खाज खुजली दूर होती है। सिंघाड़ा, भिंगी की जड़, झाऊबेर और भारंगी की जड़ 10-10 ग्राम की मात्रा में लेकर पीस लें और फिर इसमें 1 कप पानी के साथ उबाल लें। जब पानी उबलकर आधा रह जाए तो इसे छानकर पिएं। इसका सेवन प्रतिदिन 7-8 दिन तक करने से त्वचा की खाज खुजली दूर होती है। अतिसार या दस्त से दिलाए राहत सिंघाड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर मसालेदार खाना खाने से दस्त की बीमारी हो गई हो तो सिंघाड़ा का सेवन करें, दस्त में काफ़ी फायदेमंद है। पाइस या अर्स अर्थात बवासीर के दर्द और ब्लीडिंग को कम करें सिंघाड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, कच्चे सिंघाड़े का सेवन करने से पाइल्स के कारण जो ब्लीडिंग होता है उसके दर्द और रक्त स्राव को कम करने में सहायता करता है। बवासीर की दिक्कत होने पर कच्चा सिंघाड़ा नियमित खाने से परेशानी दूर होगी। कच्चे सिंघाड़े की सीजन न होने पर सिंघाड़े की आटे की रोटियां भी खाई जा सकती हैं। अस्थमा के मरीजों के लिए सिंघाड़ा बहुत फायदेमंद होता है। सिंघाड़े को नियमित रूप से खाने से सांस संबंधित समस्याओं में भी आराम मिलता है। सिंघाड़ा बालों का संरक्षक माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज के डेट में बाल झड़ने की समस्या आम हो गई है। सिंघाड़े में मौजूद नैमैनिक और लारिक जैसे एसिड बालों को नुकसान पहुंचाने से बचाते हैं। बालों का झड़ना एवं कमजोर होना पित्त दोष के असंतुलन हो जाने के कारण भी होता है। ऐसे में सिंघाड़े के सेवन से पित्त दोष कम होता है। इसके अलावा सिंघाड़े के सेवन से बालों की जड़ों तक पोषण पहुँचता है जिससे बालों को मजबूती मिलती है। एक रिसर्च में भी बताया गया है कि इसमें पोटेशियम, जिंक, विटामिन बी और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो बालों के लिए लाभदायक हैं। पेशाब संबंधी समस्याओं में बहुत फायदेमंद है सिंघाड़ा। पेशाब में जलन, रुक रुक कर पेशाब आना जैसी समस्याओं में सिंघाड़ा का सेवन बहुत ही लाभदायक होता है। तो फ्रेंड्स, आइए सेवन करने का तरीका जान लेते हैं। 20 ग्राम ताल मिश्री और 15 ग्राम घी और 30 ग्राम सिंघाड़े को मिलाकर ठंडे पानी के साथ प्रतिदिन सुबह शाम सेवन करने से पेशाब की रुकावट दूर होती है। कमजोरी करें दूर। जी हाँ दोस्तों, सूखे सिंघाड़े को पीसकर घी और चीनी के साथ हलवा बनाकर खाने से कुछ ही सप्ताह में शरीर की कमजोरी दूर होती है। कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ में फायदेमंद है सिंघाड़ा। जी हाँ दोस्तों, सिंघाड़ा, काकड़ सिंघी की जड़, झाऊबेर और भारंगी की जड़ को बराबर मात्रा में लेकर चूड़ बना लें। यह चूड़ 3-4 ग्राम में प्रतिदिन पीने से कुष्ठ रोग कोढ़ ठीक होता है। सिंघाड़े का रस घबराहट को दूर करता है। नकसीर में फायदेमंद है कच्चा सिंघाड़ा। जिन लोगों को नाक से खून आता हो उन्हें कच्चा सिंघाड़ा खाना चाहिए। पतले दुबले लोगों के लिए सिंघाड़ा वरदान है। सिंघाड़ा या सिंघाड़े के पाउडर में मौजूद स्टार्च पतले लोगों के लिए वरदान साबित होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर मोटा और शक्तिशाली बनता है। इसके लिए देसी गाय के घी के साथ सिंघाड़े का हलवा या गुनगुने दूध के साथ पीने या खाने से कमजोरी दूर होती है। सिंघाड़ा त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको जानकर हैरानी होगी, सिंघाड़ा हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है। अल्ट्रावायलेट रेस अगर हमारे स्किन से गुजर जाए
तो वहाँ स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है, यहाँ तक कि हमारी आँखों को खराब कर सकता है। हालांकि सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेस से हमें ओजोन परत बचाता है। ओजोन परत हमारे पर्यावरण में मौजूद पेड़ पौधे ही बनाते हैं। अल्ट्रावायलेट रेस का खतरा गर्मियों में ज़्यादा होता है, तो अगर पेड़ पौधे नहीं हैं तो हम नहीं हैं। तो फिर से अपने टॉपिक पर आते हैं। सिंघाड़ा त्वचा की झुर्रियों को कम करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिंघाड़ा ही नहीं बल्कि सिंघाड़े का छिलका भी बहुत ही काम का चीज़ है। जी हाँ फ्रेंड्स, शरीर में कहीं भी सूजन या फिर दर्द हो तो सिंघाड़े की छाल को घिस कर या पीस कर लगाने से दर्द और सूजन खत्म होती है। थायराइड और घेंघा रोग में लाभदायक है सिंघाड़ा। सिंघाड़े में मौजूद आयोडीन, मैग्नीज जैसे मिनरल्स थायराइड और घेंघा रोग की रोकथाम में अहम भूमिका निभाते हैं। टॉन्सिल का इलाज। इसमें मौजूद आयोडीन गले में होने वाले टॉन्सिल के इलाज में लाभदायक है। इसमें ताज़ा सिंघाड़ा या फिर सिंघाड़े का चूड़ खाना दोनों फायदेमंद होता है। सिंघाड़े को पानी में उबालकर कुल्ला करने से भी आराम मिलता है। बच्चे को बिस्तर पर पेशाब की समस्या से निजात दिलाए सिंघाड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, बच्चा बहुत छोटा है, पेशाब कर देता है तो कोई बात नहीं, पर 2.5-3 साल होने के बाद भी अगर बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब कर देता है तो पहले तो बच्चे को सोने से पहले पेशाब कराकर सुलाएं, फिर पूरे रात में भी 1-2 बार जरूर बच्चे को उठाकर पेशाब कराएं। ज़्यादातर बच्चे भोर में 3 से 5 बजे के बीच में पेशाब कर देते हैं, तो ध्यान रखें भोर में पेशाब ज़रूर कराएं। और साथ ही सूखे सिंघाड़े और शक्कर को बराबर मात्रा में मिलाकर चूड़ बना लें और इस चूड़ की चुटकी भर मात्रा को पानी के साथ सुबह शाम बच्चे को पिलाएं। इसके कुछ ही दिन तक सेवन करने के बाद बिस्तर पर पेशाब करने की समस्या दूर हो जाएगी। ध्यान रहे, उपचार के साथ आपको बच्चे को उठाकर पेशाब कराने की आदत भी डालना जरूरी है। दोस्तों, सिंघाड़ा आँख की रोशनी के लिए भी फायदेमंद होता है। सिंघाड़े खाने के फायदे नींद न आने की समस्या को भी दूर करें। सिंघाड़े खाने के फायदे नींद न आने की समस्या को भी दूर करता है। अगर आपको रात को नींद नहीं आती या बार बार आपकी नींद खुल जाती है तो इसके लिए सिंघाड़ा आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। सिंघाड़े में पॉलीफिनॉलिक और फ्लेवोनॉइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो अनिद्रा की समस्या को दूर करने में काफ़ी हद तक सहायक होते हैं। ये वात को शांत करता है जिससे तनाव कम होता है, जिससे अच्छी नींद लगती है। दोस्तों, कच्चे सिंघाड़े का जूस या फिर कच्चे सिंघाड़े को खाने से पीलिया रोग ठीक होता है। सिंघाड़ा मधुमेह रोगी भी खा सकते हैं। मधुमेह में भी सिंघाड़ा फायदेमंद होता है। फ्रेंड्स, अब सिंघाड़ा खाने के कुछ नुकसान और सावधानियाँ। सिंघाड़ा खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। पाचन प्रणाली के लिहाज से सिंघाड़ा भारी होता है, इसलिए ज़्यादा खाना नुकसानदायक भी हो सकता है। पेट में भारीपन व गैस बनने जैसी शिकायत भी हो सकती है। अधिक सिंघाड़े का उपयोग करने से ये पाचन तंत्र को प्रभावित करता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।